नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला जो है अब पूरी तरह से तूल पकड़ने लगा है। अभी से कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि पेपर लीक का मामला सामने आया है, आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब जो बात कही जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है वो भी आपको बताएंगे, और खबर क्या सच्चाई है इस खबर में उस पर भी चर्चा करने की कोशिश आपसे करते हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप पर यह प्रश्न पत्र जो है वो वायरल भी किया गया था, और परीक्षा से कुछ ही मिनट पहले यह काम किया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद वायरल प्रश्न पत्र मूल प्रश्न पत्र से मैच कर गया। जी हाँ, जो जितने भी प्रश्न पत्र वायरल हुए थे पहले, वो सारे के सारे 150 प्रश्न जो थे वो मैच कर गए। इसके पहले आरके वीर कुंवर सिंह कॉलेज परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों परीक्षार्थियों ने पेपर लीक के आरोप में हंगामा भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर कुछ परीक्षार्थियों को मोबाइल के साथ अंदर जाने की इजाजत दी गई और समय से पहले ही उन्हें प्रश्न पत्र भी दे दिया गया था, जबकि अन्य परीक्षार्थियों को विलंब से प्रश्न पत्र दिए गए। अब इस मामले में जो बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप पर रविवार को ही संपन्न परीक्षा से कुछ मिनट पहले वायरल कर दिया गया था। ये वायरल प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों के मूल प्रश्न पत्र से मैच कर गए। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार की माने तो परीक्षा आरंभ होने से 10 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे हुए ईमेल में वायरल प्रश्न पत्र की कॉपी देते हुए परीक्षा रद्द करने की भी मांग की गई। इसके पहले भोजपुर में वीर कुंवर सिंह कॉलेज परीक्षा केंद्र पर जो कुछ हुआ आपने तस्वीरें देखी लाइव सिटीज पर, और ये जो कहा जा रहा है परीक्षा का पेपर लीक होने का जो मामला अब सामने आ रहा है उसके मुताबिक सेट सी के जो भी प्रश्न पत्र हैं वो सारे के सारे मैच कर गए हैं, और सेट सी का पेपर ही लीक होने की बात भी कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी की पीटी परीक्षा का सी सेट का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। बिहार के कई जिलों में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा में राज्य भर से लगभग 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा को लेकर राज्य के 38 जिलों में 1083 केंद्र बनाए गए हैं, तो राजधानी पटना में ही केवल 83 केंद्रों पर 55,710 परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर की गई मजिस्ट्रेट और दंडा अधिकारियों की जो तैनाती है उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, बीपीएससी के सेट सी का जो पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न पत्र जो है वो वायरल हुआ था और उसी पेपर को लीक होने की बात कही जा रही है। हालांकि जांच की टीम का गठन कर लिया गया है, जांच की जा रही है। अगर ये बात सामने आती है तो ये बड़ी बात है, ये बड़ा जांच का विषय है कि आखिर इस प्रकार क्यों हुआ। अब जितनी भी तस्वीरें आपने देखी बीपीएससी परीक्षा के दौरान, कहीं ना कहीं की तस्वीरें बड़े सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आरा की हम बात कर लेते हैं, तो आरा में जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है छात्रों परीक्षार्थियों के द्वारा कि कुछ मिनट पहले, कुछ नहीं, अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो 10 मिनट की कितनी कीमत होती है आप समझ सकते हैं, और 10 से 15 मिनट पहले ही कुछ परीक्षार्थियों को पेपर दे दिया जाता है, मोबाइल में प्रश्न पत्र भेज दिया जाता है और बाकी परीक्षार्थियों को बैठाया जाता है। वहां भी पेपर लीक होने का आरोप लगाकर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा होता है, लगातार वहां पर बकझक होती है। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जांच टीम का गठन कर लिया गया है, इस पर विभाग गंभीर है और पूरी तरीके से निष्पक्षता से इस पर जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल बड़ी खबर, और बड़ी खबर के अनुसार बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया गया है उसके सी सेट का पेपर जो है वो लीक होने की खबर है, और इसी सेट के 150 प्रश्न पत्र के मैच होने की भी बात कही जा रही है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।